जेमी आज ये हमारा एपिसोड 2 है और मुझे आप ये बताएं कि 14 अगस्त 1947 उससे पहले या फौरन बाद कोई ऐसे वाकयात आपको याद हो, छोटे मोटे, जो पर्सनली आपने खुद या तो विटनेस किए हो या आपके किसी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने विटनेस किए हो, जो लोग सुनना चाहें शायद। सही बात है, पाकिस्तान बनने से पहले की बात मुझे याद है अपने बचपन की। हम लोग शिमले में थे और वहाँ कायद आजम आ रहे थे एक जगह पे जहाँ पे औरतों की मीटिंग थी, और उनको हम लोग बहुत शौक के साथ अम्मी के साथ गए थे वहाँ पे। और फिर कायद आजम को इन पर्सन देखा तो बहुत खुशी हो रही थी और उनकी तकरीर भी सुनी, बहुत अच्छा लगा, वो याद है। फिर दूसरा ये कि मेरे भाई लाहौर के कॉलेज में थे, अच्छा कायदे आजम जाते थे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी अपनी तकरीरें करने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए थे जो बहुत कामयाब उनका हुआ था। अभी ये लाहौर में आए थे और भाई के कॉलेज में, तो भाई ने उनसे पूछा कि मैं आपका स्केच बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ बना दो। फिर भाई ने उनका स्केच बनाया, भाई को शौक़ था स्केचिंग का, तो उन्होंने स्केच बनाया और फिर कायदे आजम से साइन करवा के उन्हीं को गिफ्ट कर दिया। बाद में कहते थे कि ओहो साइन करा के मैं अपने पास रख लेता पर दे दिया उन्होंने। तो ये तो खैर अच्छे दोनों वाकयात हो गए। फिर एक हुआ जिसमें ज़रा परेशानी उठानी पड़ी। मेरी बहन, जब अभी पाकिस्तान बना नहीं था तो अब्बा जी की तब्दीली अमृतसर में हुई, अब वो इंडिया में आ चुका था। और इस वक्त ये हुआ कि मेरी बहन जो थी वो तब उस वक्त मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुई थी, तो अभी पाकिस्तान बना भी नहीं हुआ था इसलिए उनको हॉस्टल में दाखिल करना पड़ा। और अब्बा जी लोग फिर दूसरी जगह जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई वहाँ हम लोग चले गए। तो पाकिस्तान बनने पे फिर हमले हुए हॉस्टल पे, और मुसलमान लड़कियाँ तो कम ही थी लेकिन मारी गई, कोई मारी गई और भागी, कोई जख्मी हुई हॉस्पिटल में। तो अपसरा भी, मेरी बहन जो थी वो भी इसी तरह परेशानी के आलम में। लेकिन फिर ये कि अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं चाहे जहाँ कहीं के भी हों। कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे अब्बा जी को जानते थे, तो उन्होंने अपसरा को वो अपने घर ले गए, वो सिख थे। लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने अपसरा को बहुत अच्छी तरह से रखा और अब्बा जी को इन्फॉर्म कर दिया। तो फिर अब्बा जी ने, उस जमाने में वो लग जाता था, बंदिश हो जाती थी बाहर निकलने की, तो फिर पास वगैरह लेके अब्बा जी और मेरे मामू साथ गए। तो लाहौर से अमृतसर ज़्यादा दूर नहीं था भाई रोड, वहाँ गए और अपसरा को लेकर आए। तो शुक्र है कि आ गई, फिर लाहौर के कॉलेज से मेडिकल किया अपना। फिर अब जब पाकिस्तान बन गया उस वक्त लोगों में ऐसा जोश और जज्बा था कि जहाँ तक हो सकते हम पना गजीनों की मदद करें, उनका करें ऐसे। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लोगों ने बहुत मदद की। गवर्नमेंट ने तो कैंप्स खोले जहाँ पे डॉक्टर्स का ख़ास तौर पे वो था कि जो आते हैं ऐसे पना गजीन बीमार या कुछ इस हालत में, तो उनका इलाज हो सके। और वॉलंटियर्स भी जाते थे, तो मेरे घर से मेरी बड़ी बहनें, भाई वगैरह ये ज़रूर जाते थे वॉलंटियर बन के। तो हम छोटे जो थे हम भी साथ हो जाते थे, और हमारा काम ये होता था कि भाग भाग के इधर उधर देखते थे कि कोई गिरा पड़ा है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो फौरन जाके डॉक्टर के कैंप में जाके इतला कर दी। और ऐसे तो बहुत लोगों ने बहुत बहुत मदद की, उसका जज्बा ऐसा था। और फिर ये कि अच्छे लोग भी होते हैं। मेरे अब्बा जी के एक सिख दोस्त थे मॉडल टाउन में, उनकी नज़दीक ही कोठी थी, वो इंडिया जाते हुए अपनी चाबी अब्बा जी को देने आ गए, कहने लगे कि हमीद साहब ये चाबी अब आप रखो, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। तो अब्बा जी ने बहुत कहा कि भई आप संभालो, आखिर आप आके चक्कर वक्कर लगाते रहोगे, पर वो खैर चाबी अब्बा को दे गए। तो अब्बा जी का ये हुआ कि फिर एक पना गजीन फैमिली आई, बहुत यानी पना गजीन ऐसे कि बहुत अच्छे लोग थे वो। तो वो फिर उनके लिए जगह का ज़रा मुश्किल हो रहा था,
फिर अब्बा जी उनको साथ लेके गए जहाँ ये गवर्नमेंट की कार्रवाई होती थी, लिखत पढ़त कोठी वगैरह जो वहाँ की जायदाद छोड़ के आए होते थे उनको दिए जाते थे। तो ये कोठी फिर उनके सामने सारी लिखत पढ़त करा के तो ये चाबी फिर उनको दे दी। तो बहुत शुक्रगुजार हुए, हमेशा शुक्र करते थे। और एक और पन्ना गजीन आए जो बेचारे ज़रा मामूली हैसियत के थे, इतने बड़े नहीं थे, वो फिर आए मदद के लिए। तो फिर अम्मी अब्बा जी ने उनको अपने घर पे ठहराया, काफ़ी अर्सा हमारे घर रहे जब तक उनका बंदोबस्त ना हो गया। तो इस तरह से वो जज्बा उस वक्त बहुत अच्छा था। मेरा ख्याल है उसका चोरी और डाकू शाकू भी कहीं गायब ही हो चुके हुए थे, ऐसा कुछ नहीं होता था, लोगों ने बहुत मदद की, तो ये बड़ा अच्छा था। तो ऐसे अल्लाह का शुक्र है अच्छे लोग। और इसी तरह मैं बाद में, यानी मैं बड़ी हुई, बाद में मेरी शादी हुई तो पता चला कि मेरे हस्बैंड उस वक़्त हॉस्टल में थे, मेरे हस्बैंड और उनके बड़े भाई दिल्ली के, दिल्ली के कॉलेज के हॉस्टल में थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई हो रही थी। तो मेरे फादर इन लॉ की तब्दीली कराची हो गई, अभी पाकिस्तान बना नहीं था, तो वो हॉस्टल में दाखिल हुए। लेकिन फिर पाकिस्तान बन गया तो लूट मार और फसाद शुरू हो गए। तो फिर एक फैमिली ने, वहाँ की फैमिली ने मदद की और इनको पाकिस्तान भिजवाने की। और इधर से मेरे फादर इन लॉ भी बहुत कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन इन पे हमले हुए ज़रूर, इन्होंने खुद यानी ये तजर्बा किया कि जब बाई कार वो एयरपोर्ट पे आ रहे थे, रास्ते में हमले हुए, एयरपोर्ट पे इन्होंने भाग के अपनी जानें बचाई, बहुत मुश्किल से ये पाकिस्तान पहुंचे। तो उन पे तो खुद ये गुजर गई, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया। तो बस ऐसे यादें।